Good morning, everyone. Today we will study exercise 15.1, question 2. Last period में मैंने आपको probability का meaning समझाया था और question 1 किया था. Now, question 2. Question 2 is 1500 families. So, total number of families है 1500 families with two children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family. Number of girls in a family and number of families. So, two girls, जिन families में two girls है, out of 1500, two girls, 475 families है, with one girl, यह है 814, and zero girl, no girl, that is 211. Now, question है, compute the probability of a family chosen at random having हमें probability find करना है. Probability का formula कल मैंने आपको बता दिया था. Number of possible outcomes, favorable outcomes upon total number of possible outcomes. So, two girls का, one girl का and zero. तीनों की हमको probability find करना है. Also check whether the sum of these probabilities is one. So, let us see. First one, probability of number of family with two girls. Probability of number of families with two girls. Is equal to with two girls family है 475 and total है 1500. Five से cancel करें तो यह आ जाएगा 19/60. इसको reduce करें divide करके 5 से तो इतना आ जाएगा. Second है probability of number of families with one girl. It is given 814 upon total 1500. 2 से reduce करें यह आ जाएगा 407 upon 750. उसके बाद में तीसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी विथ जीरो और नो गर्ल. नो गर्ल इट इज गिवन 211 टोटल है 1500 दैट इज ये रेडिट्स नहीं होता है सो एज इट इज. सो हमें ये सभी प्रोबेबिलिटीज मिल गए हैं. हमें चेक करना है कि इन सभी का टोटल प्रोबेबिलिटी वन आता है या नहीं आता. कल मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाते समय बताया था कि प्रोबेबिलिटी मोर देन वन नहीं होती. सो लेट्स चेक. सो क्वेश्चन है चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज वन. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन सिक्सटी
प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500. सो डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे. सो वी कैन राइट 19 इंटू 25 सिक्स 150, ये हो जाएगा 1500 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसको 1500 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर टोटल है एंड इट इज, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 1500, 25 से मल्टीप्लाई करके ये 1500, सो 1500. दैट्स व्हाई 25 इंटू 19 ये हो जाएगा 475 प्लस 814 प्लस 211 अपॉन 1500, दैट इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी इज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. सो इट इज चेक कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. इस तरह से ये था क्वेश्चन 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.1 चैप्टर 40. सो एग्जामिनेशन में ऐसा आपको रेफर टू एग्जाम्पल 5 इतना ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त. तो इसको अभी हम पेंडिंग में रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है. सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देंगे. नाउ क्वेश्चन 4, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, यानी कि टोटल 200 है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. तो यहां पर हेड के बारे में दिया है, 3 कॉइन्स को एक साथ करेंगे तो 3 हेड या 3 टेल होगा. तो टेल का तो यहां पर कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ हेड्स का पूछा है. सो और टोटल 200 टाइम्स है, आउटकम है क्वेश्चन 4, आउटकम गिवन है थ्री कॉइंस के, एक तो थ्री हेड्स हो सकते हैं, तीनों के तीनों, एच फॉर हेड्स, ओके शॉर्ट कट, टू हेड्स, वन हेड, एक हाथ बार आया कि हेड आए नहीं, तीनों टेल आ जाए, सो नो हेड. थ्री हेड फ्रीक्वेंसी है 23 टाइम्स, 72 टाइम्स, 77 टाइम्स एंड इट इज 28 टाइम्स. नो क्वेश्चन इज आस्क, इफ द थ्री कॉइंस आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप. हमें टू हेड्स की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ओके ओनली टू हेड्स के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल है 200 टाइम्स,
एंड हमें फाइंड करना है टू हेड्स का. टू हेड्स क्या है? 72. दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप, टू हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 72 अपॉन 200. इसको रिड्यूस करें 8 से, सो 8 9 जा एंड 25 टाइम्स. सो दिस इज द आंसर. सो नीचे में लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप इज 9/25. इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 3 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो हमको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जाकर के वो क्वेश्चन लाना पड़ेगा. सो अभी हम नहीं करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 काफी लॉन्ग क्वेश्चन है. इन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिली एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली. द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन लिस्टेड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो. सो ये टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो, क्योंकि इसका टेबल लिखूंगा तो काफी स्पेस चला जाएगा. सो मंथली इनकम है यहां पर, मैं सब इनकम लिख देता हूं. ओके, विजिबल यहां पर इनकम है. लेस देन 7000 7010 10-13 13,000 to 16,000 and 16,000 or उसके more. नंबर व्हीकल्स पर फैमिली,
जीरो व्हीकल, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, व्हीकल जीरो व्हीकल हैं 10, 0, 1, 2, 1, जिनके पास वन व्हीकल है, इतने फैमिलीज हैं 160, 305, 535, 469 and 579 two vehicles 25, 27, 29, 59, 82 about 2 021 2588 Now suppose the family chosen, find the probability that the family chosen is. Probability question 1, kaafi long question se woh main nahi likhunga. Question 1, earning rupees 10,000 to 13,000, मतलब ये वाला 13,000 to 2,000, 10 to 13 per month, and moving exactly two vehicles हैं यहां पर 29, ओके, सो इसकी probability फाइंड करना है out of total. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ये पहले लिख के रख देता हूं क्योंकि सबके डिवाइड में मुझे देना है. क्वेश्चन में है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2400. नो फर्स्ट वन, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग, बाकी क्वेश्चन में देखे अर्निंग रुपीज 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड मूविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स. बाकी सब क्वेश्चन में सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 vehicles यह है क्लास और 2 vehicles हैं 29, सो 29 अपॉन 2400. इसको रिड्यूस ऑफ फॉर्म नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, सो डिवाइड नहीं होगा. So, ये प्रोबेबिलिटी हो. इस तरह से आपको सबकी फैमिली करना है. यहां पर टोटल क्वेश्चंस है 5. ये था फर्स्ट वन. सेकेंड क्लास दिया है आपको 16,000 और मोर. क्वेश्चन 2, ये आप जैसे के वैसे लिखे. यहां पर है 16,000 और मोर व्हीकल्स और ये है 1 vehicle. ये 16,000 और मोर और 1 vehicle है 579. दिस इज इक्वल टू 579 और ये थे 29. इस क्लास के टोटल 2 vehicles वाले
29 थे और ये टोटल थे जो मैंने ऊपर लिखा 16,000 और मोर में, और आपको वन व्हीकल चाहिए 579 इतने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी 579 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 579 upon 2500 400। इसको रिड्यूस करें 3 से, ये आ जाएगा आपका 193 upon 800। 3 से डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा। इस तरह से आपको 5 टाइम्स करना है। लेट्स से टाइम टाइम इज ओवर, सो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। क्वेश्चन 3 है लेस देन 7000, यानी कि यह है लेस देन 7000 पर मंथ, डज नॉट हैविंग व्हीकल, और व्हीकल नहीं है, जीरो है, यह है 10। सो 10 के अपॉन में आओ 2400 करेंगे तो यह मिल जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से लिखना है, फिर लेस देन 7000 लिखना है, इज इक्वल टू 10 और प्रोबेबिलिटी 10 upon 2400। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13 to 16, यानी कि ये हुआ 13 to 16 और व्हीकल्स है 2 व्हीकल्स, यह है 59 पर मंथ एंड वो भी मोर देन टू 25, सो 25 upon 2500। तो इसमें आपको लेना है 25, इसमें लेना है आपको 10 के अपॉन में ये, और इसमें अबव 2 लेना है, मोर देन 2 मीन्स अबव 2 व्हीकल्स, अबव 2 मीन्स मोर देन 2 व्हीकल्स, 25 लेना है। और लास्ट वाले में लेना है आपको वोविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, वोविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। सो ये मोर देन 1 व्हीकल, तो ये 0 और 1 इतने आएंगे, ये नहीं आएंगे। सो काफी टाइम ज्यादा हो गया है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, हो सकता है मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में करूं या आप पॉसिबली कर लेंगे। सो ओके स्टूडेंट, टुडेज टाइम इज ओवर। See you in the next week. Good day, goodbye. Thank you.